हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये देखिए, बरसात के मौसम में हमारे गमलों की हालत कुछ ऐसी हो जाती है जो देखने में बहुत ही पुराने और गंदे लगते हैं। चाहे हम उसमें कितने ही अच्छे प्लांट लगा लें, फिर भी वो अच्छे नहीं लगते। तो आज मैं आपको बताऊँगी किस तरह से आप अपने गमलों को एकदम नया और एकदम डेकोरेट कर सकते हैं, जो एकदम देखने में बहुत ही महंगा और सुंदर लगेंगे। यदि आप बाहर से खरीदोगे तो बहुत महंगे पड़ेंगे। क्यों ना घर पे ही इनका मेकओवर कर लिया जाए, जो ये देखने में बहुत ही सुंदर और अच्छे भी लगेंगे। तो इसके लिए मेरे पास एशियन पेंट का एक कलर बचा हुआ था, एक या दो तीन कलर बचे हुए थे जो हमारे घर में पेंट हुआ था, तो उससे वो कलर बच गए थे। तो उन कलर का ही मैं आज इसमें यूज़ करूँगी। आप चाहे तो जैसो लगा के एक्रेलिक कलर का भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इस कलर का यूज़ करूँगी, छूटेगा भी नहीं और ये काफ़ी अच्छा होता है। तो मैंने इस पर ये कलर कर दिया है और अब आप देखिए इसके ऊपर मैं ये रेड कलर करूँगी। ये रेड कलर भी मेरे पास बचा हुआ रखा था तो उसका ही यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो मार्केट से भी इस तरह का पेंट खरीद के ला सकते हैं। ये लॉन्ग लास्टिक होते हैं और काफ़ी समय तक चलते हैं। और यदि आपके पास ऐसे कलर नहीं है तो आप जो है एक्रेलिक कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप जैसो लगाएँ फिर इसके ऊपर एक्रेलिक कलर लगाएँ। और एक्रेलिक कलर लगाने के बाद आप इसके ऊपर वॉर्निश का एक कोट कर दें। और यदि आपके पास वॉर्निश नहीं है तो आप फेविकोल और पानी का एक घोल बना लें और उसे इसके ऊपर अप्लाई कर दें, जिससे ये काफ़ी समय तक चलेगा और इसकी जो कलर है वो छूटेंगी भी नहीं। तो इस तरीके से हम इस पर पैटर्न बना देंगे। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो मैंने इसके ऊपर इस तरीके से ये डिज़ाइन बना दिया है, आप देख सकते हैं ये बहुत ही सुंदर और प्यारा लग रहा है। और इसके बाद मैंने इसके ऊपर इस तरह से वाइट वाइट डॉट लगा दिए हैं। और ये जो मैंने इस पे डॉट लगाए हैं, ये मैंने वाइट एक्रेलिक कलर का यूज़ किया है इसमें। तो मैं इसके ऊपर बाद में सूखने के बाद वॉर्निश लगा दूंगी और इस तरीके से मैं इस पे ये पैटर्न बना दूंगी। तो मैंने इसमें वाइट एक्रेलिक कलर का भी इस्तेमाल किया है थोड़ा सा, तो इसीलिए मैं इस पे वॉर्निश लगाऊंगी। और यदि आप डायरेक्टली पेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको वॉर्निश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पेंट जो है वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिक होता है, जल्दी से छूटता नहीं है। तो इस तरीके से मैं इसके नीचे नीचे आउटलाइन कर दूंगी और फिर इसके नीचे मैं इस तरीके से ये डिज़ाइन बना दूंगी। आप कुछ भी बना सकते हैं। तो मैं इस तरह से इस पर ये डिज़ाइन बना दूंगी और बाकी के जो मेरे गमले हैं उनके ऊपर मैं उन्हें साफ़ करके अच्छे से उनके ऊपर मैं रेड कलर का पेंट कर दूंगी। तो आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग किसी भी कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैं सबके ऊपर ये रेड कलर कर दूंगी, क्योंकि मुझे सभी गमलों का जो बेस है वो रेड कलर का ही चाहिए। तो मैंने इस तरीके से सभी पे रेड कलर कर दिया है। तो पहले मैंने इन्हें अच्छे से साफ़ कर दिया था सूखे कपड़े से, क्योंकि जो मेरे गमले पुराने ज़्यादा थे उनपे से सीमेंट छूट रहा था, तो उन्हें मैंने अच्छे से कलर कर दिया है। तो ये देखिए आप देख सकते हैं इसकी हालत कैसी हो रही थी पहले, और मैंने इसके ऊपर पेंसिल से डिज़ाइन ड्रॉ कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर इस तरीके से पेंट से डिज़ाइन बना दूंगी। तो मेरे पास ये कलर रखा हुआ था, तो आप भी यदि आपके पास कोई बचा हुआ कलर रखा है इस तरीके से, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि नहीं है तो आप मार्केट से लाके भी इन कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और चाहे एक्रेलिक कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं डिज़ाइन बनाने के लिए। लेकिन इसके बेस के लिए आप रेड पेंट या फिर रेड कलर का ही यूज़ करें। तो इस तरीके से मैं लीफ बना दूंगी। और यदि आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप बिना पेंसिल ड्रॉ किए आप इस पर डायरेक्टली कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो मैंने पहले पेंसिल से डिज़ाइन ड्रॉ कर लिया था, फिर उसके बाद मैं इस तरीके से इस पर डिज़ाइन बना दूंगी। तो अगर ये मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, इससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो ये देखिए इस तरीके से हम दो टाइप की इसमें लीफ बना देंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आप किसी भी कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपकी पसंद है। लेकिन ये डार्क है तो मैं इसके ऊपर लाइट कलर का ही इस्तेमाल ज़्यादा करूँगी, क्योंकि जो मेरे पास कलर रखे हुए हैं उनका ही मैं इसमें यूज़ करूँगी। तो मैं इस तरीके से इसमें ये लीफ बना लूँगी। आप भी इसी तरीके से जो भी आपके घर में पुराने गमले रखे होते हैं या जिनका कलर बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा होता है, तो आप उन पर इस तरह से कलर करके
उन्हें एक नया लुक दे सकते हैं जो देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा और ये बहुत ही सुंदर और प्यारा लगेगा, जो आपके गार्डन की शोभा बढ़ाएगा। तो आप इस तरीके से अपने पुराने गमलों को मेकओवर कर सकते हैं और आप आसान सा और इजी डिज़ाइन भी बना सकते हैं इस पर। तो मैं आपको इसमें 5-6 डिज़ाइन बना के दिखाऊंगी जो बहुत आसान भी होंगे और इजी भी होंगे। तो वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक ज़रूर देखें। और आप सभी का थैंक यू कहना चाहूँगी जिन्होंने मेरी वीडियो को देखा, लाइक करा, कमेंट किया और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। और आप कैसी वीडियो देखना चाहते हैं और मेरी वीडियो में आपको कौन सा डिज़ाइन सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इस तरीके से मैं इस पर ये डिज़ाइन बना दूंगी और नीचे मैं दूसरा कलर का इस्तेमाल करूंगी इसमें इस तरीके से। तो जो भी मेरे पास कलर बच रहे थे उनका ही मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। और अब यहाँ पर मैं फ्लावर को कलर करूँगी इस तरीके से, मतलब जो मैंने पेंसिल से ड्रॉ किया था फ्लावर उसके ऊपर इस तरह से कलर कर दूँगी। तो ये देखिए, इस तरह से आप किसी भी फ्लावर की शेप देके ब्रश की हेल्प से डिज़ाइन बना सकते हैं। ये बहुत ही आसान और ईजी है और ये हमारा जो गमला है उसमें एक नई जान आ जाएगी और मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। और बाकी आप देखिए कि आपको कैसा लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये देखिए, इस तरह से ये कंप्लीट हो चुका है पूरा। और ये मेरे पास थर्ड गमला है इस पर मैंने कलर कर लिया है। और ये मेरे पास ये देखिए सदाबहार का फ्लावर था, उसके ऊपर मैं इस तरीके से कलर कर दूँगी। यदि आपको डिज़ाइन बनाना नहीं आता तो आप इस तरीके से भी इजी तरीके से फूल और पत्तियों की हेल्प से डिज़ाइन बना सकते हैं। आप इसी तरीके से किसी पत्ती के ऊपर कलर करके उससे भी डिज़ाइन बना सकते हैं इस तरह से, जिससे इजीली इस पे छप जाएगा और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी हमें। तो इस तरीके से मैं पूरे गमले में ऐसे ही फ्लावर बना लूँगी, मतलब फ्लावर को छाप लूँगी कलर करके। और यहाँ पर भी, और अब मैं ऊपर की तरफ इस तरीके से इसमें यहाँ पर डिज़ाइन बनाऊँगी। तो इसके लिए मैंने ये लाइट कलर का इस्तेमाल किया है। और ऊपर मैं इस तरीके से इसमें डिज़ाइन बना दूँगी। तो ये ऊपर मैंने डिज़ाइन बना दिया और यहाँ पर मैं इसकी लाइट कलर की शेड से इस पर आउटलाइन कर दूँगी, जो ये और भी अच्छा और सुंदर लगेगा इस तरह से। तो आप भी इस तरह से, यदि आप ड्राइंग अच्छी नहीं आती या फिर आप नहीं बनाना चाहते, तो आप इस तरीके से फ्लावर या लीफ को इस तरह से कलर करके इस पर छाप सकते हैं, उससे भी आपका जो गमला है बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से मैं पूरे में आउटलाइन कर दूंगी। तो ये देख सकते हैं आप कितना सुंदर। और उसके बाद ये देखें, इस गमले पे भी मैं कलर कर चुकी हूँ और इसके ऊपर मैंने इस तरीके से पैटर्न बना दिया है। तो आप कुछ भी पैटर्न बना सकते हैं, ये बहुत ही आसान और ईजी है। इसे बच्चा भी बना सकता है कोई, क्योंकि ये बहुत ही ईजी डिज़ाइन है। और बीच में मैंने इस तरीके से लाइट ग्रीन कलर कर दिया है। तो जो भी मेरे पास कलर थे उनको ही मैंने मिला के इसमें अलग अलग शेड दे के ये देखिए अपने गमले पे पैटर्न बना दिया। और ये कितना सुंदर और प्यारा लग रहा है और बहुत ही आसान और ईजी है। और उसके बाद इस पर भी मैंने रेड कलर कर दिया। और इसे सूखने के बाद मैं इस पर कोई पैटर्न बनाऊंगी। तो मेरे पास सदाबहार के काफ़ी सारे फ्लावर हैं, लेकिन मैंने इनको बोया नहीं था, ये खुद ही अपने आप इतने हो गए हैं कि हर गमले में सदाबहार के फ्लावर ज़रूर मिलेंगे और इनकी ग्रोथ भी काफ़ी जल्दी बढ़ती है। और ये देखिए, उसके बाद मैंने यहाँ सर्कल बना दिया है, ऊपर मैं इस तरीके से आउटलाइन कर दूंगी और नीचे मैंने एक डॉट डॉट लगा के पैटर्न बना दिया है। तो आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कोई भी पैटर्न बना सकते हैं और ये बहुत आसान और ईजी रहेगा इस तरह से। और अब इसके ऊपर मैं ये डिज़ाइन कंप्लीट कर दूंगी। और यहाँ पर मैं इस तरीके से आउटलाइन कर दूंगी, किसी भी लाइट कलर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और बीच में मैं
इसमें रेड कलर का इस्तेमाल करूंगी डॉट लगाने के लिए, क्योंकि जो लाइट कलर का मैं कर रही हूँ वो शायद दिखाई नहीं दे रहा आपको, तो इसके लिए मैं डार्क कलर का इसमें डॉट लगा दूंगी। तो आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी मेहनत में हमारे गमलों में एक नई जान आ गई है, जो रखे हुए भी बहुत अच्छे लगेंगे और आपका भी मन खुश हो जाएगा इनको देख के। तो ये देखिए ये कितना प्यारा और सुंदर लग रहा है। और इसी तरीके से मैं सब में अलग अलग पैटर्न बना दूंगी। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ही हार्ड डिजाइन बनाएं, इजी और आसान भी बना सकते हैं। इस तरीके से मैंने आपको दोनों तरीके के डिज़ाइन बना के दिखाए हैं। ये इजी डिज़ाइन है, बहुत सिंपल भी है। तो आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कुछ भी बना सकते हैं। मुझे तो ये देखने में बहुत ही सुंदर और प्यारे लग रहे हैं। बाकी आप बताइए कि आपको कैसे लग रहे हैं, तो कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें हौसला मिलता है और एक मोटिवेशन मिलता है। तो इस तरीके से मैं इस पर डिज़ाइन बना दूंगी। और यदि आप चाहें तो ज़रूरी नहीं है कि आप डिज़ाइन चारों तरफ ही बनाएं, आप फ्रंट की साइड भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से इसमें ये डिज़ाइन बना दिया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी मैंने एक बहुत ही सिंपल और इजी सा डिज़ाइन बना दिया है। कितना सुंदर और प्यारा लग रहा है, तो आप ज़रूर ट्राई करें। और ये जो मेरे बड़े गमले थे इनके ऊपर मैंने इस तरीके से ये स्टार शेप में डिज़ाइन बना दिया है। तो ये देखिए मेरे सभी गमले रेडी हो चुके हैं। आपको कौन सा सबसे अच्छा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये देखिए सभी मेरे बन चुके हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। और अब जल्द मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।